रहे हो कि ये कट्टा हमको मार्केट में लेके जाना है, ये इस पे गेहूं रखे हुए हैं, 30 किलो का कट्टा है लगभग। अब इसको लेके चलते हैं चक्की में, वहीं से आपको चक्की के दर्शन भी करवाते हैं। ये जो कि एक बार ऐसे ही मार्केट से कंधे में या पीठ पे 30 किलो कट्टा घर लेके आना होता है, और घर में इसको धो धा के सुखा सुखा के फिर जाके इसको वापस मार्केट ले जाना है चक्की में पिसवाने के लिए। बहुत मेहनत है इसमें भी। ये जो हमने लिया था ये 30 किलो था पूरा, अभी आप देख लीजिए 29 किलो, 400 ग्राम है, 600 ग्राम की इसमें मिट्टी थी और कबाड़ था जो कि निकल गया है। अब इसको करते हैं साइड में, और ये चक्की है तेल की और आटे की चक्की है, और जब भी टाइम होगा इनको ये पीस देंगे यहाँ पे, हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। क्या करनी है, भुक्का लाऊं लगूंगी कि कब आप वो जानी है बरार आप दे फूल भेजने लगे हो। हाँ अभी इसकी फिर से कलम लगाएगी दादी, एक तो काट दिया सामने से, अभी पीछे पर लगाना शायद, देखते हैं कैसे लगता है ये। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे ब्लॉग चैनल में, मेरा नाम नितेश गिरला और आप देख रहे हैं नितेश गिरला ब्लॉग। तो कल हमने आपको दिखाया कि हम चक्की में गए थे, तो उसके बाद हम घर आए और दादी जी ने यहाँ से एक गुलाब का जो है कलम निकाली थी जिसपे गुलाब ऐसे ही लगा हुआ था, तो भी आपको दिखाते हैं अभी दादी जी ने वो कहाँ पर लगाया है। और आज के ब्लॉग में आपको बताने वाले कि पहाड़ की साग सब्जियों के बारे में, और जो पहाड़ के फल रहते हैं उनके बारे में बताएंगे, आज क्या क्या फल लगाते हैं हम घर में और क्या क्या साग जो सब्जी होती है क्या क्या लगाते हैं। तो एकदम घर के सामने पर चलते हैं। एक छोटी सी जगह पे यहाँ पे एक क्यारी बनाई हुई है, और जो ये है कि ये मुरझाया हुआ है, ये कल लगाया था यहाँ पे गुलाब, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा ये। और यहीं पे राजमा भी लगाई हुई है, पूरे राजमा बोई हुई ऊपर तक, ये इसलिए लगाया कि जिससे कि ये कि मेन रास्ता यही है, सारे जानवर आ जाते हैं। जो गाय वैसे जंगलों में आगे रहती है, जो गाय वैसे जंगलों में आगे हुई रहती है, तो शाम को आती है या सुबह में जाते समय वहाँ से चुग लेती है वो, तो इसलिए वहाँ पे वो लगाया हुआ है जिससे कि वो उसको न खाएं। और यहाँ पे फूल का पौधा है लेकिन अभी फूल इस पर हुए नहीं है। और यहाँ पे थोड़ी सी गोभी भी है, ये गोभी रही यहाँ पे। और ये यहाँ पे राजमा, इस पर अभी अगवा लगाने बाकी हैं। और सामने पे माल्टे का पेड़ है, ये आप देख सकते हैं, ये भी माल्टे, सारे माल्टे हैं अभी, छोटे छोटे माल्टे हैं इन पे, लेकिन कैमरे से नहीं दिखेंगे ऊपर पे, लेकिन अभी उतने बड़े हुए नहीं कि हम कैमरे पे दिखा पाए। और यहाँ पे अंगूर का झाला आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी अंगूर हुए नहीं है, बारीक बारीक अभी होने के हैं अभी ये। तो अंगूर भी लगाए हुए हमने, होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं यहाँ पे। और अंगूर तो आप देख सकते हैं कि इससे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि राजमा जो यहाँ पे थी, अब अभी आप देख सकते हैं ये बेल इसमें पकड़ ली है, और यहाँ ऊपर तक आ गई है, ऐसे पूरी जगह आती है, ऐसे पूरे जो है कि जितने भी हमें अगवा लगाए हैं सब ऊपर तक जाती हैं, फिर जाके उस पर राजमा लगती है। और यहाँ से फूल भी हैं इस वाले पेड़, और ये रहा सेब का पेड़, इस पर आपको सेब दिखाते हैं ऊपर जाके, मतलब ऊपर में लगे हुए हैं छत में, वहीं से आपको दिखाते हैं। और ये यहाँ पूरे पेड़ हैं, ये पूरे सेब के पेड़ हैं हमारे, यहाँ से लेकर और यहाँ पूरे नीचे खेत तक। आपने वो कटाई वाली ब्लॉग देखा होगा जिसमें हम कटाई कर रहे हैं सेब की, तो आज देखो आज जो सेब भी लग गए हैं। और वहीं से आपको आड़ू दिखाते हैं, और खुमाने मतलब चूनी दिखाते हैं, गढ़वाल में चूनी बोलते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। अभी हमारे घर में यही है तो मैं आपको यही सब दिखा सकता हूँ। ओहो तो ये सारे आड़ू चूनी चूनी, हाँ ये रही चूनी या खुमानी, इसकी बड़ी प्रजाति खुमाने रहती है, इसको बोलते हैं चूनी। तो ये चूनी तो बहुत ही कम लगी हुई है, आड़ू ज़्यादा है। और अभी आपको दिखाते हैं सेब, हाँ ये रही सेब यहाँ पे, यहाँ इधर भी हैं सारे, और यहाँ पूरे फील्ड पे सेब है, क्योंकि सबसे बड़ा पेड़ हमारे घर के सामने पे यही है, और सारे यहाँ नीचे हैं ये, लेकिन इनमें भी सेब सब में लगे हुए हैं। अभी आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी मैं नीचे जा नहीं सकता हूँ, लेकिन सब में लगे हुए हैं, अभी आपको बाद में दिखाएंगे जब इससे बड़े हो जाएंगे, तो
ज़्यादा लाल नहीं होते, ज़्यादा पकते नहीं हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम उनमें कोई दवाई दवाई नहीं डालते हैं, और ज़्यादा देर तक हम उनको रखते भी अपने पास, तो घर के सामने सब चीज़ों का पूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मैं कोई भी जगह ऐसी जैसे छुट्टी होगी तो यहाँ पे जैसे है कि ये बाहरी किनारा है, गढ़वाली में खोला बोलते हैं इसको, मुझे चौक है उसकी जो बाहरी किनारे पे फूल लगाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा, ये पूरा झाड़ जो है ये पूरा फूल का है, और ये सामने से पूरा घर स्टार्ट होता है यहाँ से, यहाँ पे पूरे पेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ नीचे पे देख लीजिए आप, यहाँ पे लगा हुआ पुदीना, पूरा पुदीना है, और वो भी दिखाते हैं आपको, यहाँ पे मैंने परसों जो है कि अंगवा लगाए थे मैंने, दादाजी ने अंगवा लगाए थे, और आज देख लीजिए अंगवा लगाए थे कितने बड़े हो गए, ये परसों तक ये यहाँ तक थे, आज ये यहाँ पहुँच गए हैं, इसको यहाँ पे लपेटना पड़ता है, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, और जो करेले हैं घर के करेले, ये इसका पौधा है करेले का। तो अभी निकलते हैं गौशाला गाय भैंसे को पानी पिलाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है और धूप भी बहुत तेज़ होती है आजकल, आजकल की धूप में पावर ज़्यादा होती है, तो उस वजह से जल्दी पानी पिलाना पड़ता है, और जल्दी पानी पिला के उनको अंदर बांध देंगे। अभी अपने गौशाला में अभी आपको दिखा दे कद्दू का जो झाल रहता है कितना बड़ा हो जाता है फैल के, अभी तो कद्दू लगे नहीं है, स्टार्ट नहीं हुए, अभी तो बस ये बढ़ ही रहा है, ये पूरे यहाँ से है और यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पूरा गोबर है इसीलिए इतना बड़ा हो रखा है गोबर की वजह से। मैं कितने वो आए थे सारे साहब के हमें ये चाह हम को जाना हम बाद नाचा साहब ना खाए नहीं देने फिर खाने चाहिए जरा नहीं पी होने तो गर्मी एक ग्लास में ये दाल और इसमें भी छाछ पड़ेगी फिर आएगा इसका स्वाद, फिलहाल उसे निकाल दे रहे हैं। ओए गर्मी ओए गर्मी ओ तो दाल ये हमने निकाल दे नीचे पे और यहाँ पे रख दिया चावल, और ये जाएगा छाछ के लिए अभी। खाने गोली मजा ही तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी पायलट ब्लॉग देखने के लिए तो आपको मिलता है फिर किसी दूसरे पायलट ब्लॉग में।